मैडम, बीसीओ साहब, बीडब्ल्यूओ साहब, यहाँ उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रखंड के सभी स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पुरुष एवं महिलाएं, बच्चे, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम, जैसा कि आप लोगों को पहले जानकारी होगी, टारी किसान मजदूर हाई स्कूल के फील्ड में होना था, लेकिन डीएम सर, एसपीओ सर द्वारा कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है तो आवाज जाएगी, तो इसलिए एसडीओ सर के निर्देश पे कल इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया गया और आप लोगों की उपस्थिति थोड़ी विलंब से ही सही बहुत अच्छी है। चूंकि ये कार्यक्रम जन संवाद का है, आपसे संवाद स्थापित करने का है और ये कार्यक्रम चल रहा है, ये पहला नहीं है। हाँ, एसडीओ सर का ये पहला कार्यक्रम है अपने प्रखंड में और आपके पंचायत में। आप सभी लोग एसडीओ सर का एक बार ताली बजा के स्वागत करें। सर के आदेश से आगे का कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका यहाँ की जनता के प्रति लगाव हमेशा यूं ही बना रहे और आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम की जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो कड़ियां हैं, उन पर आना चाहेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले आप सभी के बीच बुलाना चाहेंगे बाल विकास परियोजना, बाल विकास परियोजना कार्यालय से सर आएंगे और अपने कार्यालय से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आप सबके बीच में देंगे। सर, मंच पे उपस्थित सिवान सदर के अनुमंडल पदाधिकारी सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनाथपुर सर, अंचलाधिकारी सर, डीपीआरओ मैडम तथा मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, प्रिंट मीडिया तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 13 सेविका तथा 10 सहायिका कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत ही जरूरी योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें बच्ची को नामांकित किया जाता है, जिसमें बच्ची की मां जो होती है उसका आप सेविका से मिल करके सभी कागजात के साथ वहां उपस्थित कराइएगा, उनका अपलोड कार्यालय से किया जाएगा और 0 से 1 साल के बच्ची का बिना आधार का सब चीज अपलोड किया जाएगा। जब 1 साल से ऊपर जो बच्ची होती है उसका आधार आप लोगों को बनवा करके फिर से अपलोड किया जाएगा। इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बच्ची जब तक मैट्रिक, इंटर, स्नातक तक करती है तब तक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न समय समय पर योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उसी तरह मुख्यमंत्री परवरिश योजना भी एक है, जिसमें अनाथ बच्चों को जो
चाचा चाची मामा मामी या कहीं अन्य उनकी परवरिश हो रही है जिसकी परवरिश की कोई